हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का टॉपिक है रियल स्टेट से हटके है, मोटिवेशन के ऊपर है। मोटिवेशनल टॉपिक क्या है ये? रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानना, अपने अपनी जो एबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसको पहचान के आपने आगे बढ़ना। सो दोस्तों, हमने कोल्हू का बैल नहीं बनना। कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुँचता कहीं नहीं है। इसी तरीके से हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे हम बढ़ नहीं पा रहे, आगे तरक्की नहीं कर पा रहे, आगे हम प्रगति नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? सबसे बड़ा जो मैंने नोट किया है वो ये है कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारी वैल्यू क्या है। इसके रेफरेंस में मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, डेविड जे स्क्वार्ट्ज ने लिखी है। उसमें वो अपनी किताब में 28वें पेज पर लिखता है कि मैं अपने आप को मेरे दोस्तों से पीछे महसूस कर रहा था कि मैं उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितने मेरे दोस्त कर गए। हालांकि वो इंटेलिजेंट ज़्यादा था, लेकिन एक दिन वो दूसरे शहर में कहीं इंटरव्यू देने जाता है, होटल में रुकता है। होटल में रुकने के बाद वो इस बात के लेके चिंतन करता है, मंथन करता है कि कहाँ गलती हो रही है। तो अंत में जाके उसको ये एहसास होता है कि मैंने अपनी काबिलियत के हिसाब से कभी पैसे मांगे ही नहीं। तो दोस्तों, वो जब इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू जो $700 पर मंथ की होती है उसकी, जो जॉब उसकी लगनी होती है, तो वो रात को फैसला कर लेता है कि मैं $700 पर ये नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यदि करूँगा तो $3500 पे करूँगा। तो दूसरे दिन जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठता है तो वो अपनी बात रखता है। तो अपनी बात रखने के बाद वो कॉन्फिडेंस अपना रखता है। वो सामने वाले कहते हैं कि 700 का 3500 देना तो बहुत मुश्किल है। वो कहता है जी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि मैं आपको $3500 का जो फायदा देता हूं कि नहीं देता, क्या मैं उतने $3500 के काम करता हूं कि नहीं करता। तो वो जो बहस में वो आदमी जीत जाता है और उसको $3500 पर मंथ की नौकरी मिल जाती है। तो ये होगी सेल्फ रियलाइजेशन, जो उसने आदमी ने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए तो इतना पैसा ही मिला उसको। सो इसमें हम गलती क्या करते हैं? हम जो दूसरा बंदा हमें पैसे देना चाहे उसी के हिसाब से हम पैसे लेते हैं। हम कभी भी अपने रिजल्ट के हिसाब से पैसे नहीं मांगते, सिर्फ टाइम के हिसाब से पैसे मांगते हैं। हम टाइम देते हैं और पैसा लेते हैं। तो आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि आप कहाँ खड़े हो, आप क्या कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब में भी रिच डैड जो उसका है, बच्चे को 9 साल की उम्र के बच्चे को अपने पास नौकरी के लिए रखता है और काफ़ी देर उसको वही सैलरी देता है जिसकी वो उसने उसकी सेटलमेंट हुई है। लेकिन एक दिन बच्चा उसको कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आप हमारे से काम ज़्यादा ले रहे हो और पैसे हमें कम दे रहे हो। वो कहता है जी मैंने तो अपने, उसका डैडी कहता है कि मैंने तो कम देने की बात ही नहीं की, तुमने मांगे इतने हैं, यदि तुम्हारा इसमें गुजारा नहीं होता तो मेरे को बोलो। वो कहता है जी हमारा गुजारा नहीं होता, तो उसकी जो सैलरी है उसकी बढ़ा दी जाती है। तो जब तक आप अपने सामने वाले को ये रियलाइज़ नहीं कराओगे कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तब तक आपकी एक्सप्लाइटेशन हो सकती है, होती रहेगी और होती भी है। तो आपने अपना ध्यान रखना है और रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को जरूर पहचानना है, अपने आप की अपनी सारी शक्तियों को पहचानना है, अपनी काबिलियतों को पहचानना है, तब जाके आपने अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते हो आप। सो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलता हूं जल्दी नए टॉपिक के साथ। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।